जिसने इस संसार की रचना की है। परमेश्वर भी वो कार्य कर सकता है, लेकिन उसमें समय लगता है। हाँ, हम उन समस्याओं को दूर करते हैं जो जीवन में आ रही हैं। फीस के नाम पर एक पैसा नहीं लेंगे। दुखी लोगों की भलाई करना है हमारा काम, ना कि उनको लूटना। हर समस्या का समाधान सिर्फ 3 घंटे में। विश्व प्रसिद्ध शास्त्री जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 100% गारंटी के साथ आपके जीवन में आ रही समस्याएं, जैसे आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट, बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता ना मिलना, इंटरकास्ट प्यार में रुकावट आना, शादी विवाह में रुकावट, पति पत्नी के रिश्ते में अनबन, संतान का ना होना, कोर्ट कचहरी का मामला, पढ़ाई में रुकावट, नौकरी में रुकावट, ग्रह कलेश। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी चमत्कारी असरदार विधि जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको परेशान करते हैं, वो लोग अपने काम से भी परेशान हैं और अपने परिवार के हर सदस्य से भी परेशान हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। जी हाँ, जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं। अगर आप एक तरफा प्यार में पड़ गए हैं और अपने प्यार को इजहार भी नहीं कर पाते हैं, तो आज आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपकी प्रेमिका, चाहे जो भी हो, चाहे वो आपकी बहन की सहेली हो या फिर आपसे दूर कहीं और रहती हो, किसी और देश में रहती हो, जी हाँ, इस विधि से वो महिला आपके पास आ जाएगी और आपकी बनके रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये जानकारी, ये चमत्कारी विधि क्या है। तो ये अचूक असरदार महाशक्तिशाली वशीकरण की विधि, सबसे पहले आपको एक गिलास पानी लेना है, 5 पेड़े लेने हैं, 5 सूखी लाल मिर्च लेनी है और 3 पीपल के पत्ते लेने हैं और 1 टुकड़ा काला नमक लेना है और 3 केले लेने हैं। उसके बाद पीपल के 3 पत्तों पर उस लड़की का नाम लिखें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और पीपल के पत्तों पर 1-1 केले को रख देना है। उसके बाद लाल मिर्च पर 1-1 पेड़ा रखना है और उसके बाद नमक को पानी में डाल देना है। उसके बाद आपको 121 बार महाशक्तिशाली वशीकरण का मंत्र पढ़ना है। दोस्तों, वो व्यक्ति, वो लड़की, वो इंसान जिसके भी नाम का आप ये मंत्र पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको सोचना है और 121 बार इस मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद आपको वो पानी उस इंसान के घर के बाहर फेंकना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद केले और पीपल के पत्तों को नदी में विसर्जित कर देना है। नदी ना हो तो आप बहते हुए जल में विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद इस पेड़े को एक सफेद गाय को और एक काली गाय को और एक लाल गाय को खिलाना है और मिर्ची को पीपल के पेड़ के नीचे जला देना है। बस दोस्तों, इतना ही करना है। इसके बाद आप देखेंगे इसका असर तुरंत होगा, वो व्यक्ति आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके लिए तड़पने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उस वशीकरण के मंत्र से, जो जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। His number is +91946854-9406। ईमेल आईडी इज baba.aghori.dileepsamrat.com। कॉन्टैक्ट नंबर इज +91946854-9406। कॉल लगाएं बाबा अघोरी को। जी हाँ, कॉल करें तुरंत।